Hello, dear students. How are you? Hope you all are doing well. Today, in our English grammar class of Grade Second, we are going to start with a new topic, that is, genders. So let's begin with genders. Nouns that tell about male and female are known as genders. What noun? जो मेल और फीमेल के बारे में बताते हैं उन्हें जेंडर्स कहते हैं नो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट काइंड्स ऑफ जेंडर्स फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ़ अ मेल पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर एक नाउन जो कि नेम होता है किसी मेल पर्सन का या एनिमल का उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं एग्जाम्पल बॉय लड़का एक्टर किंग डॉग एक्सेट्रा ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैस्कुलिन जेंडर के सेकेंड फेमिनिन जेंडर नाउन

दैट मे बी यूज बोथ फॉर मेल और फीमेल इज सेट टू बी ऑफ कॉमन जेंडर वह नाउन जो दोनों फीमेल या मेल के लिए यूज किया जाता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं एग्जाम्पल डॉक्टर स्टूडेंट फ्रेंड एक्सेट्रा ये कुछ एग्जाम्पल्स है कॉमन जेंडर के फोर्थ न्यूटरजेंडर अ नाउन फॉर द नेम ऑफ अ थिंग विथआउट लाइफ इज इट टू बी ऑफ द जेंडर वह नाउन जो कि यूज होता है किसी नॉन लिविंग थिंग के नेम के लिए वो रखे जाते हैं जेंडर की कैटेगरी में एग्जाम्पल चेयर टेबल कंप्यूटर एक्सेट्रा ये एग्जाम्पल्स है न्यूटर जेंडर की नाउ वी नाउ कम टू एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज ए सेज राइट एम फॉर मेल एफ फॉर फीमेल सी फॉर कॉमन एंड एन फॉर न्यूटर बच्चों यहां ब्लैंक्स है और यहां पर नेम्स लिखें इन नेम्स के अकॉर्डिंगली हमें लिखना है कि वो मेल है फीमेल है कॉमन है या न्यूटर है सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट वन सर सर किसके लिए यूज होता है येस मेल पर्सन के लिए सो so, हम यहां पे ब्लैंक में एम लिखेंगे बिकॉज सर यूज होता है मेल के लिए सेकेंड टाइग्रेस टाइग्रेस क्या है फीमेल है क्योंकि टाइगर होता है मेल और टाइग्रेस होती है फीमेल इसलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे ब्लैंक में यस एफ फॉर फीमेल थर्ड वेटर बच्चों वेटर मेल होता है और वेटर का फीमेल क्या होता है वेट्रेस बट यहां पे वेटर लिखा है सो so, हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे मेल का एम बिकॉज वो मेल होते हैं फोर्थ माउंटेन बच्चों माउंटेन लिविंग है नॉन लिविंग है नॉन लिविंग है सो so, हम क्या लिखेंगे ये yes, न्यूटेंडर का एन बिकॉज माउंटेन सांस नहीं लेते हैं फिफ्थ टीचर अब इसमें क्या आएगा बच्चों टीचर्स मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं सो so, टीचर्स दोनों होते हैं मेल भी और फीमेल भी इसलिए हम यहां पे कॉमन जेंडर लिखेंगे इसलिए सी यूज करेंगे क्योंकि टीचर वर्ड दोनों के लिए यूज होता है हैन बच्चों हैन क्या होती है मेल होती है या फीमेल यस yes, फीमेल होती है क्योंकि तो हैन का मेल तो कॉक होता है इसलिए हम यहां पर एफ लिखेंगे नाउ वी कम टू एक्सरसाइज बी एंड इट सेज राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग पे कुछ वर्ड से उनका उल्टा मीन्स ऑपोजिट लिखना है सो फर्स्ट वन बॉय बॉय मीन्स लड़का और इसका एजेंडा में अपोजिट क्या होगा येस गर्ल सो हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे जी आई आर एल गर्ल सेकेंड काउ काउ फेमिन जेंडर है मीन्स फीमेल है सो so, इसका मेल क्या होगा बुल बी यू डबल एल बुल थर्ड किंग मीन्स राजा और इसका अपोजिट क्या होगा येस रानी मीन्स क्वीन सो हम यहां पे क्या लिखेंगे क्यू यू डबल ई एन क्वीन फोर्थ हर बच्चो हर का अपोजिट क्या होगा ये yes, इसका होगा हिस्स एच आई एस हिस हर गर्ल्स के लिए यूज होता है और हिस्स बॉयज के लिए फिफ्थ वाइफ इसका जब हम जेंडर चेंज करेंगे तो क्या यहां लिखेंगे यस हस्बैंड एच यू एस बी एन डी हस्बैंड सिक फादर इसका क्या होगा Yes, ये तो सबको पता है मदर एम ओ टी एच ई आर मदर पापा का मम्मा सेवेंथ विक्सन बच्चों विक्सन फॉक्स का अपोजिट जेंडर है विक्सन फीमेल है और फॉक्स मेल है सो हम यहाँ पर एफ ओ एक्स फॉक्स लिखेंगे एथ ग्रैंड फादर दादाजी और दादाजी के साथ कौन आता है यस yes, दादी जी इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे ग्रैंड मदर जी आर ए एन डी ग्रैंड एम ओ टी एच ई आर मदर ग्रैंड मदर दादाजी का अपोजिट हुआ दादी जी होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस नाउ राइट दिस नीटली इन योर नोटबुक थैंक यू